न्यूज फीड पेज का काम हमारा बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा जैसे ही हम इस पेज को प्रॉपरली रिस्पॉन्सिव करेंगे। और ये ठीक है, अच्छा यहाँ पे वापस आ जाते हैं। बेसिकली मेरे यहाँ पे ये कहने का क्या मतलब है, मतलब ये है कि ये जो आर्टिकल्स हैं ये इसकी जिम्मेदारी नहीं है, न्यूज क्रिएटर की ये जिम्मेदारी नहीं है कि इसमें ओके यहाँ पे क्या हुआ, मैं इसको यहाँ से कट कर रहा हूँ फिलहाल। इसकी सिर्फ जिम्मेदारी इतनी है कि इसने डाटा शो करवाना, दैट्स इट। इसको लिटरली कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो डाटा कहाँ से आ रहा है क्योंकि ये डाटा को रिसीव करेगा। तो डाटा को अगर इसने रिसीव करना है तो वो डाटा इसका पेरेंट कंपोनेंट इसको प्रोवाइड करेगा। हम यहाँ से ये सारी चीजें मूव करेंगे, 1 मिनट बस यहाँ पर। और ये जो चीज है, लेट्स से कि यहाँ पे इसको क्या चाहिए, इसको यहाँ पे हम कहेंगे इंटरफेस आई दिस प्रॉप्स जो के न्यूज आर्टिकल्स जो के न्यूज आइटम दिस। और सॉरी ये ऐसे, और न्यूज आर्टिकल्स, और ये न्यूज आर्टिकल्स यहाँ पे, दैट्स इट। एक चीज हो गई। और यहाँ पर जब इसको कॉल करते होंगे तो तब हम न्यूज आर्टिकल्स प्रोवाइड कर देंगे इस सेंस में। और इसी के साथ हमारा ये जो फॉर्मेट है वो वापस अपनी जगह पे, इसको मैं बेसिकली ये कर रहा हूँ दोबारा अनचेक कर रहा हूँ। यहाँ पे एक चीज जो रह गई है, और ये मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा, मैं इधर इसका स्केल थोड़ा सा कम कर दूंगा। सॉरी ये 1600 था और इसको मैं लेट से 1500 ही कर दूंगा। ओके मेन वेट 1400। ओके ये 1700 थी, सॉरी 1700, 1800। ओके क्योंकि इतनी जो मेरी स्क्रीन है, मेरी स्क्रीन पे ये ठीक था जी, ये ऐसे ठीक नज़र आ रहा है। और 1800 के बाद यहाँ फिर जो बड़े डेस्कटॉप्स हैं उस पे ही हम करते हैं 1900 की बात कर देते हैं सिंपल, क्योंकि 1920 से फुल एचडी स्टार्ट होता है, उसके नीचे यही ठीक है। अच्छा मैं बात कर रहा था मेनली कि ये डाटा यहाँ पर आ गया। और अब बेसिकली मैं आपको ये बताऊँ कि कैसे हमारा काम आसान कैसे हुआ है। काम आसान ऐसे हुआ है कि हम यहाँ पे यूज़र फीड में आएंगे, होपफुली ऑलमोस्ट सबको समझ भी लग गई होगी। हम उसमें ये सारा काम करेंगे एज इट इज़। और ये चीज़ें एज इट इज गेट भी कर लेंगे। यहाँ पे सिर्फ होगा न्यूज़ फीड ये, और ऑब्वियसली इसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए ताकि बेहतर हो। ये वंस अगेन ये हम बाद में रिमूव कर देंगे, ये अभी सिर्फ और सिर्फ डेमो पर्पजेस के लिए है। और काफ़ी ज़्यादा वैसे चीज़ें इंपोर्ट कर दी हैं लेकिन, और इसी के साथ आप देख सकते हैं कि हमारा जो न्यूज़ फीड का काम था वो भी हो गया। तो ये तरीका कार है बेसिकली, जब हम कंपोनेंट्स को प्रॉपरली बनाते हैं तो तब हमारे इतनी आसानी होती है। एक चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ ये है, और वो मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करूँगा, डमी डाटा नहीं होगा इधर एटलीस्ट दूसरी स्क्रीन में, कि जब हमारे पास कोई डाटा नहीं होगा, और ये बेसिकली क्योंकि अभी वो उसमें से डाटा आ रहा है इस वजह से, तो तब ये एम्प्टी स्क्रीन होगी जो कि नहीं होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर आएंगे, पहले वो कैशे में से दिखा रहा था जस्ट फॉर रिकॉर्ड। अगर हमारे पास आर्टिकल्स हैं तो ठीक है, अदरवाइज हम बेसिकली इसे कहेंगे आर्टी डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0। अगर तो
इस कुछ आर्टिकल्स हैं तो ठीक है, अदरवाइज हम शो करेंगे एक सिंपल बेसिकली फ्लेक्स जिसका काम होगा, जिसकी हाइट होगी या मिन हाइट कह देते हैं, मिन हाइट 100 VH और मिन और जो जस्टिफाई करेगा सेंटर, अलाइन करेगा सेंटर और हेडिंग आ जाएगी, सॉरी नो न्यूज़ आर्टिकल्स फाउंड, प्लीज अपडेट द सेटिंग एंड ट्राई अगेन लेटर। ये लीजिए, यहाँ भी आते हैं और ये हमारे पास आ गया है, दैट्स इट। यहाँ पर आके मैं इसकी जो हाइट है उसको 80 VH कह दूंगा, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा हाइट की ज़रूरत नहीं है। इसको अगर क्लोज भी करता हूँ तो 80 VH भी शायद ज़्यादा है, तो इसको 70 VH कह दूंगा, दैट्स इट। स्क्रॉल की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, 70 VH भी थोड़ी ज़्यादा होगी तो मैं 68 VH भी चला जाऊँगा, दैट्स इट। ये हमारे पास आ गया, और जब न्यूज़ आर्टिकल्स होंगे तो वो उनको शो कर देगा, नहीं होंगे तो ये शो कर देगा। नेक्स्ट, अब हम बेसिकली आगे काम करेंगे, और इसकी जो ये जो व्यू स्क्रीन है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो आईडी वाला काम है वो सही चल रहा है। तो हमने अब क्या करना है, और ये क्या हुआ, ओ सॉरी, ओके चलें, ये भी अच्छा हो गया है, ये गलत हो गया, ओके ओके तो ठीक है, कोई इतनी मसले वाली बात नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ डेटा जो है उसको इम्प्रूव कर देंगे, फॉर्मेट में आते हैं, और क्योंकि हो सकता है किसी किसी ने अपनी अब मर्जी की आईडी दी हो, तो हम सिर्फ और सिर्फ हर जगह पे ये अपनी गेट रैंडम आईडी यूज़ कर लेंगे, सिंपल। हमें क्योंकि ज़रूरत नहीं है कि हम उन पे डिपेंड करें, कि गलती से अगर इस तरह की आईडी होगी तो फिर बिला वजह का मसला हो जाएगा। और अब आप देख सकते हैं कि सबका जो काम है वो सेट है, ठीक हो गया। नेक्स्ट, हम क्विकली इस पेज को फाइनलाइज करेंगे और उसके बाद इस पेज में आके फिल्टर्स वगैरह ऐड करेंगे। सबसे पहले ये मैंने आपको बताना है कि ओके, ये हमें कैसे पता चलेगा कि ओके कौन सा ये है जो न्यूज का डाटा कैसे लेना है। तो इतना मुश्किल नहीं है, होपफुली काफियों को समझ लग गई होगी, लेकिन बाकियों को यहाँ पे मैं एक दफा एक्सप्लेन कर दूंगा। हम यहाँ पर आएंगे, हमने कंपोनेंट्स को बंद करना है, यहाँ पर आना है, और यहाँ पे हम एक बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे, रिकॉइल का, रिकॉइल सिलेक्टर फैमिली। ये एटलीस्ट मुझे काफी कॉन्सेप्ट इसका पसंद है, आइटम फैमिली भी होती है, सिलेक्टर फैमिली भी होती है। तो इसमें बेसिकली आप इसकी एक अगर मुझे एग्जांपल मिल जाए तो थोड़ा आसानी हो जाएगी, कि ये देखें, आप बेसिकली पैरामीटर रिसीव कर सकते हैं, ओके, और उसके अकॉर्डिंगली काम कर सकते हैं। मैं करके दिखाता हूँ, थोड़ा आसानी हो जाएगी आपके लिए, और उसके लिए मुझे रिकॉइल में जाना पड़ेगा। स्टेट कहाँ पर है हमारी, ये रही, उसमें मेरे पास न्यूज़, और यहाँ पे एक्सपोर्ट कांस्टेंट न्यूज़ डिटेल आर स्टेट सिलेक्टर फैमिली, ओके, सिलेक्टर फैमिली रिकॉइल में से इंपोर्ट करेंगे, और ये रिटर्न क्या करेगी, आई न्यूज़ आइटम रिटर्न करेगी, और अभी कर देती है ये रिटर्न। बस पहले मैं इसका डाटा वगैरह फाइनलाइज कर दूँ, और अब गेट कैसे करना है, गेट सॉरी गेट बेसिकली कैसे करना है कि पैरामीटर मुझे चाहिए न्यूज़ आईडी का,
ओके और उसके बाद अब ये इसका एक्चुअली ऑप्शन है जिसमें से गेट आ जाएगा, और उसमें यहाँ पे अब ये थोड़ी सी मजेदार बात है कि हमें इन दोनों का डाटा चाहिए। होपफुली आपने समझ लिया होगा क्यों, क्योंकि यूजर जो है वो किसी भी पेज में से चीज को व्यू कर सकता है। वो हो सकता है सर्च आर्टिकल में से व्यू पे पेज पे आ गया, या फिर अपनी जो न्यूज फीड थी और उसमें आर्टिकल्स दूसरे थे उसमें से आ गए। लेकिन अब हमें तो डाटा चाहिए ना, हमें तो डिटेल स्क्रीन पे हमने उसको शो करवाना है, और मैं कोई एपीआई कॉल करना नहीं चाह रहा इस केस में। तो यहाँ पे हम कर देंगे ऑल न्यूज आर्टिकल्स, ओके, और यहाँ पे ये यह मैंने इम्पोर्ट किया हुआ, चेक किया हुआ, यहाँ पे हम बेसिकली इसको कर देंगे, ये एक अरे हो जाएगी। यहाँ पे अरे की वैसे जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम कर देंगे कॉन्स्ट, यहाँ पे लेट आइटम, जो कि आई न्यूज आइटम होगी, सर्च न्यूज आर्टिकल्स, उसमें से फाइंड एल वेयर एल डॉट आई डी ट्रिपल इक्वल टू न्यूज आई डी, ओके, ये जो आई डी हमने पैरामीटर रिसीव किया। ओके अब मसला ये है, इसको वैसे अभी रहने देते हैं, बस एक मिनट। यहाँ पे कॉन्स्ट आइटम, अगर तो ये आइटम मुझे यहाँ से मिल गई है फिर तो वेल एंड गुड है, फिर तो यहाँ पे रिटर्न कर दो, दैट्स इट मुझे, क्योंकि ये बस आइटम। अगर नहीं मिली तो क्या नाम लेते हैं इसको, बेसिकली उसमें से ट्राई करो कॉन्स्ट जस्ट 1 मिनट, ठीक है। इसको लेट ही कर देते हैं, इक्वल टू, और सॉरी ये इसके इक्वल होना था फाइंड, और ये लॉजिक सेम है। ओके वंस अगेन, अगर तो आइटम है तो रिटर्न कर दो, अदरवाइज रिटर्न नल कर दो, और यस यहाँ पे रिटर्न नल भी आएगा। अच्छा अब ये क्या कह रहा है, ओह सॉरी, पहले इसको बताना होता है कि ये किस टाइप का वो लेगा पैरामीटर रिसीव करेगा, और बाद में इसको बताना होता है कि ये रिटर्न क्या करेगा। तो यहाँ फिर ये शायद उल्टा होता है, इस दोनों में से एक चीज़ होती है। चले तो ये इस तरह था, ये स्ट्रिंग, मतलब पहले आप इसको बता दें ये रिटर्न क्या करेगा, और उसके बाद कौन सा पैरामीटर, यहाँ पे आप कुछ भी रिसीव कर सकते हैं तो उसका मसला नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट रिसीव करना है जैसे जो भी आपको चाहिए। अच्छा ये हमने कर लिया, और इस होपफुली इसका लॉजिक आपको समझ लग गई होगी। यहाँ भी अब हम करेंगे कॉन्स्ट दिस स्टेट यूज रिकॉइल वैल्यू, और इसको आप कॉल करना है, कॉल किसके साथ करना है, इसके साथ करना है, ये ले, और जैसे कि ये स्ट्रिंग होना चाहिए तो कोई मसले वाली बात नहीं, ये ले। लेकिन मैं इसको स्ट्रिंग नहीं करूंगा, मैं इधर आऊंगा इसको इंप्रूव कर दूंगा कि स्ट्रिंग हो सकता है या फिर अनडिफाइंड हो सकता है, ओके वो सही हो जाएगा। और अगर यहाँ पे ये अनडिफाइंड है, इफ अनडिफाइंड और सॉरी इफ स्ट्रिंग देन ओनली डू दिस अदरवाइज रिटर्न नल, और स्ट्रिंग एंड सॉरी स्ट्रिंग नहीं कहना, ये कहना नहीं हो सॉरी, ये ले थोड़ी ट्रेन कर लो जस्ट इन केस के कोई स्पेस ही ना डाल के, बेसिकली टेस्टिंग जब कर रहे होते हैं टेस्टर्स तो वो फिर ब्रेक करने की पूरी कोशिश करते हैं, तो हम बेहतर है कि हम अपना केस सही रखें, ये ले ये हो गया, इसको क्लोज कर दो ये, और यहाँ पर डाटा इक्वल टू दिस देखते हैं एरर ना आ जाए बस, ओके समथिंग वेंट रॉन्ग, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप सिंपली इसको ऑब्जेक्ट है इस वजह से उसको मसला हो सकता है, तो
आप ये कर लें। ओके, ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो वैलिड जे एस एक्स वो नहीं होते, चाइल्ड नहीं होते, यही आ रहा है होगा। ऑब्जेक्ट आर नॉट वैलिड, ओके, तो प्लीज वो ट्राई ना करिएगा। ओके, यहाँ पे अब आकर रिफ्रेश करूंगा तो फिर ये गायब हो जाएगा। रिफ्रेश करने से गायब इस वजह से हो गया क्योंकि इन दोनों स्टेट्स में डाटा नहीं है। ये जो है कहाँ पे गई, इस पे आ जाओ। इन दोनों स्टेट्स में डाटा नहीं है, तो प्लीज इस चीज का ख्याल रखिएगा। लेकिन हम नेक्स्ट ये चीज को भी ऑलमोस्ट हैंडल कर रहे होंगे क्योंकि जब हम रिफ्रेश करेंगे तो हम बेसिकली उन चीजों को वो डाटा भी फेच कर लेंगे, न्यूज सर्च पेज का डाटा और जो है इस पेज का डाटा, और वो सारा काम हमारा क्लियर हो जाएगा। तो अभी के लिए एक चीज जो अब हम नेक्स्ट करेंगे वो ये होगा कि अगर डाटा नल है तो उसी तरह जिस तरह लास्ट पेज में हमने कहा था कि नो डाटा फाउंड, उसी तरह यहाँ पे भी कहेंगे। ये चीज हम नेक्स्ट करेंगे। ये चीज काफी सिंपल है, हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आएंगे और इस पर चेक लगा लेंगे। कि अगर ये है और इस पे थोड़ा चेक स्ट्रिक कर लेते हैं, डॉट इसमें आईडी भी लगा लेते हैं क्योंकि अगर आईडी मिल गई है तो दैट्स इट, बाकी डाटा होना चाहिए। तो फिर ये वाला काम कर लो, और अगर ये नहीं है तो फिर ये दूसरा काम कर लो। और दूसरे काम में हम लेट्स वही सेम जो काम आगे किया वहां से कॉपी कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए। बेसिकली होम में आ जाते हैं, वैसे ये काम हुआ था हमारा कंपोनेंट्स में ग्रिड में ये, और इस चीज को कॉपी कर लेते हैं। ओके, और इस चीज का एक कंपोनेंट बना लेते हैं, फुल पेज सेंटर्ड मैसेज इंडेक्स डॉट टी एस एक्स कॉन्स्ट फुल पेज सेंटर्ड मैसेज रिएक्ट डॉट फंक्शनल कंपोनेंट ये रिटर्न ये, और मैसेज जो है यहाँ पे रिसीव होगा उसको हम इंटरफेस दिस आई रॉब्स और मैसेज स्ट्रिंग मैसेज मैसेज, और थोड़ा सा चले बेहतरी के लिए, खैर वो इतनी बेहतरी की बहुत है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ये। और इस पेज में होपफुली आपने गेस कर लिया होगा मैं क्या करने लगा हूँ, मैं सिर्फ इसको रिफैक्टर करने लगा हूँ ताकि रिपीट कम से कम यहाँ तो ना हो, यहाँ पे कम से कम हो। ये ठीक हो गया, इसी चीज को अब रिपीट करेंगे, मीन कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, हालांकि इसकी भी जरूरत नहीं है। ओके, और इसमें सॉरी इसमें होगा, इसमें नहीं, ठीक है। लास्टली इसको ख़त्म करो, और एक दफ़ा जो एरर्स वाले केसेस हैं उनको हम स्टडी कर लेते हैं। एरर एरर बाउंड्री ये, और इसमें भी ये जो आ रहा है इसको भी हम इसमें ले जाते हैं, फुल पेज दिस ये हो गया नेक्स्ट। और एरर बाउंड्री में बेसिकली जो डैशबोर्ड है वो नहीं कवर हो रहा, इसको खैर अभी रहने देते हैं। नेटवर्क डिसकनेक्टेड उसमें भी यही फुल ये, और ये
इसको ख़त्म कर दो। और ये दोनों हो गए। फुटर में आज सच कुछ नहीं है, फॉर्म में इस तरह कुछ नहीं है, फुल पेज लोटर में लोटर ही है। इसका मैं साइज बस थोड़ा इंक्रीज करना चाहूँगा, साइज चलो हैंडल दिस हेडर लॉगआउट नेविगेशन ग्रेड और ये और लेआउट में ये है, ऑथ में ठीक है, रजिस्टर भी ठीक है क्योंकि रजिस्टर भी ऑलमोस्ट यही डेटा कॉपी है, फॉर्म में ठीक है, ये भी ठीक हो गया, न्यूज डिटेल नॉट फाउंड ये रह गया बस, और ठीक हो गया, डन है। इसको मैं कर रहा हूँ यहाँ से कट, फुल पेज मैसेज इसके साथ और ये कट यहाँ पर, ये शो फॉर्म शो गो टू फॉर्म बटन, बोलियन ट्रू ये होम पेज मैसेज मैसेज नॉट 404 नॉट फाउंड प्लीज ट्राई अगेन लेटर। ओके इसी के साथ हमारी जो स्टेट है वो काफ़ी बेहतर हो गई है। एक चीज़ जो बेहतर नहीं हुई वो ये है कि यहाँ पर फ्लैक्स में डायरेक्शन जो है वो कॉलम होनी चाहिए थी ये, और लास्टली अगर बटन है तो उसका मार्जिन टॉप जो है वो 4 होना चाहिए था, दैट्स इट। इसके अलावा और कोई चीज़ इतनी नहीं चाहिए। ओके मोबाइल में एक दफ़ा देख लेते हैं मोबाइल में ये कैसे नज़र आ रहा है। मोबाइल में जाते हैं यहाँ से आईफोन 12 प्रो या फिर 12 मैक्स प्रो में चले जाते हैं, रिफ़्रेश करते हैं। और एक चीज़ जो अच्छी नहीं लग रही वो ये है कि ये जो मैसेज है ये सेंटर अलाइन होना चाहिए था। सो इसका जो अलाइन है उसको सेंटर कर दो। और इसी के साथ ये कंप्लीट हो गया। गो टू होम और ये आपके आइकॉन्स भी कंप्लीट हो गए, डन है। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर जो बेसिकली हमारे पास सेटिंग्स ऑप्शन है उनको शो करेंगे, और उसके बाद फिर हम यहाँ पे न्यूज़ फीड में जाके उसमें जो ऑप्शंस हैं उनको शो करेंगे।